नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं उमरगांव से हमारे सहयोगी आशीष सिंह की एक खास रिपोर्ट, जहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल हो जाने से वहां की राजनीति गर्म आ गई है। आपको बता दें कि 4/10/2020 दिन रविवार को श्री रोज सिंह जी एवं पिंकेश पटेल, चंदन सिंह, पन्नालाल सिंह, जिग्नेश पटेल, रोमित मोदी, हृदय नारायण मिश्रा, गंगाराम वर्मा जी, दिनेश यादव, अश्विन यादव, विक्की पटेल, दीपक दुबे, आशीष सिंह, दिव्येश तिवारी, रितेश सिंह, संदीप गुप्ता, संदीप सरकार तथा हजारों कार्यकर्ता की संख्या के साथ भाजपा का सक्रिय सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें गुजरात राज्य मंत्री श्री रमण भाई पाटकर, उमरगांव तालुका के भाजपा मुकेश भाई पटेल, दिलीप भाई भंडारी, शेखर भाई, डॉक्टर नीरव जी, रामदास भाई, संदीप भाई अरेकर, अशोक सिंह जी, पंकज भाई बोरलाई वाले, धर्मेश सिंह चौहान उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ता कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए दूरी एवं मास्क का उपयोग करते हुए सभी भाइयों ने के साथ में एक संगठन में काम करने का संकल्प लिया, जिससे भाजपा को सरीगाम, भिलाड़ एवं आसपास के एरियाज में बहुत सहयोग मिलेगा। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमारे साथी महामंत्री रामदास भाई, प्रकाश भाई, हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सब कार्यकर्ताओं का सुख सिंह जी, हमारे पूर्व राजेश भाई और मीडिया के मित्रों, सभी कार्यकर्ता भाइयों के मित्रों, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी की और से मैं सबको अवगत करता हूँ। मित्रों, पार्टी गुजरात, पूरा गुजरात में, पूरा देश में सबका था, सबका, लेकिन देर से है, लेकिन सही घर पे आया, इसी वजह से आपको खूब धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं तालुका पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव है और तालुका पंचायत जिला पंचायत के चुनाव में पूरा देश में जो रही है उस विश्वास के साथ आपने भी ये पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है। हम आपको पूरी तरह से खातरी देते हैं, आपका विश्वास कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ना नव नियोग अत्यारे आप तमाम सर्वजन ने उपस्थिति में एक चुप कर आप भारतीय जनता पार्टी चलाव श्रेय माननीय मुकेश भाई ने जाए तमाम ने संगठित करने माननीय मुकेश भाई कर उमरगाम तालुका का तहसीलदार माननीय प्रमुख मुकेश भाई पटेल, हमारा वर्षो थी उमरगाम तालुका की निगाह थी के आपने राज्य भाई अशोक भाई, दिलीप भाई, प्रकाश भाई, आरेकर साहब, दिलीप भंडार भी भरे ने उसकी व्यवस्था करने के लिए पहले उसने स्कूल बंद की, फिर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया और हमारे जो उत्तर भारतीय जो बैठे हैं, कुछ बाहर से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, भिलाड़ टावर विस्तार सरीगाम से हैं, सब लोग आज जिस चीज के लिए लोग आए हैं, जो इतने दिन से उनको अपेक्षा थी कि हम चौथे हमारे काम करेंगे, बीजेपी के लिए दिल रात दोनों एक कर देंगे। बहुत पुराने कार्यकर्ता थे पर अंडरग्राउंड कार्यकर्ता थे। आप लोगों ने एक और नाम सुना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्येश तिवारी जी आइए, अपनी अपनी ये साथ जो अपने खेस पहना है वो अपनी अपनी खुशी से लिखा जाए तो एक बार जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। आपको उधर जाकर गिरा कर नहीं जाना, ये खेस जो है हम अपने अपने जहाँ
विनोद राजकिशोर सिंह। विनोद जी, खास करके आज बाहरी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में जुड़े हैं, क्या कहेंगे इसके लिए और कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, आज सब लोग को जरूरत है, आज सब चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसी के तहत हम लोग काम भी कर रहे थे और काफी समय से हम लोग बीजेपी में भी काम कर रहे थे और कांग्रेस के लिए भी काम किए थे पहले, मगर हम लोग का अभी मन कांग्रेस से भर चुका है और कांग्रेस में अभी कोई मन नहीं काम करने का है, ना ही कहीं देश हित में कांग्रेस कोई काम कर रही है। इसके लिए देश हित के लिए हम लोग ने वापस बीजेपी को खुले, खास करके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन होने का क्या कारण है? देखिए, देश हित के लिए हम लोग को अभी बीजेपी में सबको एक साथ मिलके देश का विकास करना है, इसके लिए हम लोग ने बीजेपी का हाथ थामा है और काफी समय से हम लोग बीजेपी के लिए भी काम कर रहे थे कि जहां देश है वहां सब लोग हैं, ये देश की जनता की आवाज है और उसके साथ ही हम लोग चल रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप जुड़े हैं और किस तरह का कार्य आने वाले दिनों में करेंगे? देखिए, कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे काफी लोग नहीं आ पाए, फिर भी हम लोग ने 500-600 का टारगेट पकड़ के यहाँ पे जितने लोग आ सकते थे जिनके लिए सुविधा करके यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लेके सबको यहाँ पे आए। बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है पर कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसको उसका न्याय मिलेगा, बेनिफिट? देखिए, जो भी पार्टी में संगठन के हिसाब से काम करेगा उसको पार्टी हमेशा आगे रखती है, उसके लिए हमेशा पार्टी विचार करती है और जैसा पार्टी का विचार रहेगा उसके हिसाब से सब लोग काम करेंगे। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना खुद के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जैसा निर्देश देगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ चढ़ के यहाँ से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको खत्म करना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसके साथ हम लोग आगे रहेंगे हमेशा। बीजेपी माटे सारो दिवस निवड्यो छे अने मोटी संख्या में कार्यकर्ताओ जोड़ाया छे कांग्रेस माथी, तो खास करीने शुं कहेशो, ए माटे केटला कार्यकर्ताओ जोड़ायेला छे अने जे कार्यकर्ताओ छे तेमने कई रीते मार्गदर्शन आपवामां आव्युं छे? आ तो एक शुरुआत छे, आजथी शुरुआत थई छे, कांग्रेसना माणसो अने भारतीय जनता पार्टीमां जे जोड़ाई रह्या छे, हजु 6 वागे बीजी टीम आवे छे, એમાં બી લગભગ હજારોની સંખ્યામાં એ લોકો જોડાવાના છે અને આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ ઉમરગામ તાલુકા માટે ગણાય અને અમારો એક નેમ છે કે ઉમરગામ તાલુકામાંથી કોંગ્રેસનું નામો નિશાન મારે કાઢવું છે। અમારો મોદી સાહેબનો મંત્ર હતો કે કોંગ્રેસ તો મુક્ત ભારત કરવાનો અને એની શરૂઆત અમે આજે ઉમરગામ તાલુકાથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ઓવરઓલ કેટલા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ હશે જે ભાજપમાં જોડાયા છે? આજે અંદાજે 1500-2000ની આસપાસ કોંગ્રેસના કાર્યકરો જોડાવતા છે। કઈ રીતનું માર્ગદર્શન એ લોકોને આપવામાં આવેલું છે પક્ષ તરફથી? પક્ષ તરફથી કંઈ નહીં, એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની કામ કરવાની પદ્ધતિ અને જે દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એને અનુસરીને લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં બધા જોડાવા ઈચ્છે છે। ઘણા બધા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને તમારા હસ્તે ખેસ મેળવવામાં આવેલો છે, શું કહેશો આ દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને? સૌ પ્રથમ તો મેં આ ધ્યાન રાખ્યું છે કે મોટી સંખ્યાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કાર્યકરો જોડાતો ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો કોઈ ગમ નહીં થાય અને એ કાળજી રાખીને આજે અમે અહીંયા આ રીતનું આયોજન કર્યું છે। કમ સે કમ 2000 ઉપર અમારા કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે, તેનો અમને ખૂબ આનંદ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો નારો છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૌનો વિશ્વાસ, એ સાથે આજે જાણકાર મતદાર થયો છે કે મતદાન માટે અત્યારે ગરમી કટોકટીની અંદર એટલે કે વાયરસના સમયની અંદર ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે ખેડૂતો હોય શ્રમજીવી હોય કે અન્ય સમાજ માટે અનેક જાતની વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે તેની જાણકારી પણ આપી છે અને એટલા માટે જ એમને વિશ્વાસ પણ પેદા થયો છે કે અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સાથે મળીને કામ કરતી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આજે જોડાયા। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે કોરોના 18 માર્ચના દિવસે સર્ટિફાઈ થયો ગુજરાતની અંદર એ અહીંયા દેખાયો એ વખતે સૌ અહીંયા યોગી જે હતા તેઓ પોતાના વતન જવા માટે પણ આ પ્રયત્ન કર્યો હતો ત્યારે અહીંયાથી આપણા ટોટલ 25 લાખ જેટલા ગુજરાતમાંથી એમને મોકલવા માટે જનતા પ્રસ્તાવ દ્વારા કરવામાં આવી અને એનાથી એ લોકો ખૂબ ખુશ છે અને હું માનું છું કે આજનો જે માહોલ જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ફરી એક રાજ્યનો મહેલ બન્યો હોય એ રીતનું આક્રમ થયું।